लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। खुशी है इस बात की कि आज मैं एक बघेला जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिल रहा है। गुजरात कई बार और कई मौकों पर मैं आया हूँ। गुजरात की धरती ने हमेशा संदेश दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने जन्म लिया था यहाँ पर, और आज भी यमुना के किनारे लोग जाकर के सत्य अहिंसा के लिए संकल्प लेते हैं, और वहीं कृष्ण भगवान ने जहाँ जन्म लिया था यमुना के किनारे, और आखिरी सांस यहीं गुजरात में ली। ये जो रिश्ता है उत्तर प्रदेश से यमुना का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से और कृष्ण भगवान से, कि जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म तो गुजरात में लिया था, लेकिन आज यमुना के किनारे उन्हें याद करते हैं लोग, संकल्प लेते जाकर के। वहीं भगवान कृष्ण ने जहाँ जन्म लिया था यमुना के किनारे, और उन्होंने आखिरी सांस ही गुजरात में ली थी। ये रिश्ता यमुना का और उत्तर प्रदेश वासियों का है। सत्य अहिंसा का नारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया, उस रास्ते पे भारत चलाओ, भारत को आजादी मिली। आजादी के साथ साथ राजनीतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्य अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है। वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुलडोजर ने ले लिया। गांधी के देश में अहिंसा का रास्ता ही जिसका बुलडोजर ने ले लिया, और फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें, गुजरात के लोग तो मैं जानता हूं, और खासकर उद्योगपति यहाँ के कई बार मुझे मिले हैं, वो कहते हैं कि अरे इनकम टैक्स का छापा उन पे ना पड़े तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है। तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं, वो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है, तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। ये काम हमारे नहीं है, ये काम सरकार के हैं। सरकार मिली रहती है कई बार सरकार मिली रहती है और सरकार ऐसे फैसले लेती है। और नॉमिनेशन जेल से हुआ, वो सरकार बीजेपी की थी। समाजवादी पार्टी जब बाई इलेक्शन लड़ रही थी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता